Let's now switch back across to Jharkhand, where, of course, polling is continuing. It's the first phase of assembly polls there in the state. My colleague Ritesh Mishra is joining us live from Ranchi. Ritesh, if we talk about Ranchi, what have been the main issues you've been tracking on ground since the morning as the first phase of polling has been taking place? अब बिल्कुल देखिए कि रांची में भी सुबह से ही हम खबरें दिखा रहे हैं और रांची में भी आप देखिए कि भ्रष्टाचार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इसके अलावा अगर बात करें बेरोजगारी को लेकर लोगों ने वोट किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को लेकर भी लोगों ने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और यहाँ पर वोटिंग किया है। सबसे पहले मैं आंकड़ों की बात बता दूँ तो 3 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे पास आ चुके हैं और तकरीबन 60% वोटिंग हो चुकी है। अब वोटिंग बंद हो चुकी है और कई इलाकों में जो नक्सल प्रभावित 29 जो विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ पर 4 बजे तक की वोटिंग हुई। कई जगहों पर थोड़ी मोड़ी छिटपुट अगर बात करें विवाद की खबर आई, लेकिन अगर पूरे 43 विधानसभा सीट्स की बात करें तो चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है सभी। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जितने भी जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं झारखंड के, उन्होंने ना सिर्फ वोटिंग की, कई सारे जगहों पर वो खड़े भी हैं। जैसे चंपाई सोरेन की अगर बात कर लें, सरयू राय की बात कर लें, पूर्णिमा दास की बात कर लें, महुआ माझी, CP सिंह, बन्ना गुप्ता, तो ये हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स थे पहले फेज में। और झारखंड में कई सारे मुद्दे, खासतौर पर अगर देखा जाए तो ED की कार्रवाई को लेकर, दूसरी तरफ कई सारे लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि झारखंड सरकार को तंग किया जाता है, महंगाई के मुद्दे पर भी लोगों ने वोट किया है, मैया सम्मान योजना भी काफ़ी अगर देखें तो एक काउंटेबल वो एक इश्यू है झारखंड में। इसके अलावा जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पर कई सारे जो मुद्दे हैं जैसे अगर रांची में। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश मिश्रा हमारे संग जुड़ने के लिए। वक्त अब हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.